हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, हर लीग से पहले हम लीग के ग्राउंड्स कवर करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम T20 ब्लास्ट के ग्राउंड कवर किए थे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे श्रीलंका प्रीमियर लीग के ग्राउंड, ठीक है। ये लीग पूरी दो ही ग्राउंड में खेली जाएंगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से TNPL हुआ था उसी तरीके की ये लीग है, ठीक है। उसी तरीके की ये लीग है, यहाँ भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ती हुई दिखेंगी। दूसरा ये कि जिस टाइम पे लीग स्टार्ट होती है, वेदर कंडीशन वहाँ पे होती है, मतलब बारिश का सीज़न रहता ही रहता है, तो कोई भी अपनी प्रेडिक्शन करने से पहले वेदर को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अब दो ही ग्राउंड है, पहला ग्राउंड है प्रेमदासा ग्राउंड कोलंबो, दूसरा पल्ले गले ग्राउंड, ठीक है, कैंडे। अब सीधा वीडियो स्टार्ट कर, सबसे पहले बात करेंगे प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड कोलंबो वाले, है कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, ग्राउंड का साइज, पिच कैसी है, एवरेज स्कोर कैसा, सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राउंड का साइज, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, ग्राउंड एक साइज़ बड़ा। अब पिच कैसी है कि यहाँ की पिच फ्लैट, आजकल T20 की सारी पिच फ्लैट होती है, बस फर्क इतना रहता है किसी पिच के ऊपर घास होती है, कोई पिच प्योर फ्लैट होती है, तो यहाँ की पिच प्योर फ्लैट है। अब बात करते हैं होम ग्राउंड, देखिए दो ही ग्राउंड मैचेस हैं तो होम ग्राउंड का इतना इम्पैक्ट गिरेगा नहीं, फिर भी अगर देखा जाए तो कोलंबो स्ट्राइकर का ये होम ग्राउंड है, ठीक है, कोलंबो स्ट्राइकर का ये होम ग्राउंड है, पर इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर, देखिए इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर पिछले डाटा के हिसाब से, सिर्फ TNPL के डाटा के हिसाब से 140-50 का ही रहा। 140-50 का इसलिए रहा क्योंकि यहाँ का ग्राउंड एक तो एक्साइज इसकी बड़ी है, दूसरा ग्राउंड में ड्यू फैक्टर रहता है, ठीक है, ड्यू फैक्टर रहता है, तो ड्यू फैक्टर हमेशा इस सेकंड बैट को सपोर्ट करता है, पर ये लीग ऐसी यहाँ चीज़ें अटपटी तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये इस ग्राउंड में जब भी मैचेस हो आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, ग्राउंड का एक साइज थोड़ा सा बड़ा है, पिच यहाँ की फ्लैट है, होम ग्राउंड कोलंबो स्ट्राइकर का, जो मैटर नहीं करेगा, और एवरेज स्कोर 140-50 का आपको देखने को मिलेगा, और सेकेंड इनिंग में ड्यू आती है, ठीक है, ड्यू ही यहाँ डिसाइड करती है, एक सबसे बड़ी तो मिस्ट्री ग्राउंड है, ड्यू ही डिसाइड करती है कि मैच किस साइड जाएगा, ठीक है। और बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जैसा कि पिच फ्लैट है उस हिसाब से, तो जब भी आप अपनी कोई प्रेडिक्शन करो ये सारी चीज़ें देख के कीजिएगा, और एक बार फिर से बोल रहा हूँ वेदर को वापस से फिर से चेक करना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ग्राउंड की, पल्ली गली का ग्राउंड है कैंडे, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो ग्राउंड का साइज एवरेज है, ठीक है, ग्राउंड का साइज एवरेज बोल सकते हैं, यहाँ की पिच फ्लैट है विद ग्रास, यहाँ की पिच पे आपको घास देखने को मिलेगी, और जैसा कि मैं बताता हूँ कि जिस पिच के ऊपर घास होती है वो दो धारी तलवार होती है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का आपको 160+ देखने मिलेगा, 160+ देखने मिलेगा, वो क्यों मिलेगा मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मोटी मोटी बातें करते कि ग्राउंड का साइज एवरेज है। अच्छा, होम ग्राउंड ये बिलो कैंडी का, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट गिरेगा नहीं, फिर भी सिर्फ नॉलेज के लिए, और एवरेज स्कोर यहाँ का 160+ है, और यहाँ की पिच फ्लैट विद ग्रास है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया ये कॉम्प्लिकेटेड पिच होती है। अब बात करते हैं ग्राउंड सपोर्ट कौन सी साइड करते हैं, ग्राउंड फर्स्ट बैट को सपोर्ट करता है इस ग्राउंड में, जब भी मैचेस हो रन ऑन बोर्ड जरूर देख लेते हैं, ड्यू यहाँ भी रहती है, ठीक है, पर ड्यू के साथ यहाँ अब तक के रिकॉर्ड में, खास करके TNPL के रिकॉर्ड में, TNPL बोल रहा हूँ, श्रीलंका प्रीमियर के रिकॉर्ड में यहाँ पे फर्स्ट बैट ही ज़्यादा विन हुई ड्यू होने के बावजूद भी, समझ रहे, नहीं तो ड्यू ज़्यादातर सेकंड बैट को फेवर करती है, पर यहाँ पे देखिए एक सीधी सी कंडीशन ये बनती है कि कोई भी टीम फर्स्ट बैट पे आती है तो वो हाई स्कोर लगा के सामने वाली टीम को प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी, यही आपको यहाँ माइंड गेम खेलते हुए दिखेंगे बैट बॉल के साथ। जब भी इस ग्राउंड मैचेस हो आपको ये मान के चलना कि हाई स्कोर देखने मिलेगा और रन ऑन बोर्ड जरूर देख लेनी, उसी हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन करिए, मतलब ओवरऑल सेकंड इनिंग का वेट करके जो भी प्रेडिक्शन करनी है वो करनी है, और वेदर हमेशा ही चेक कर लेना। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, ग्राउंड साइड एवरेज है और होम ग्राउंड कोई मैटर करता नहीं इतना, पिच फ्लैट है विद ग्रास एवरेज स्कोर 160+ आपको देखने मिलेंगे, वो इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि फर्स्ट बैट पे जो भी टीम आएगी टॉस विन करके फर्स्ट बैट पे आने की कोशिश ही करेगी ताकि रन ऑन बोर्ड पे अच्छे बोर्ड लगाए जा सके, बोर्ड पे अच्छे रन लगाए जा सके, सामने वाली टीम को प्रेशर में लाया जा सके, और ग्राउंड फर्स्ट बैट को सपोर्ट करता है, ड्यू यहाँ भी रहती है, तो कॉम्प्लिकेटेड ग्राउंड है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे दोनों ग्राउंड में जब भी मैचेस हो या पूरी लीग में हो तो सेकंड इनिंग का वेट करके रन ऑन बोर्ड देख के ही अपनी कोई प्रेडिक्शन कर लें, ठीक है। अब दो ही ग्राउंड है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।